अस्सलाम वालेकुम, असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म का झटपट से इजी हलीम बन रहा है, बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। ये दो अदद प्याज लिए हैं स्लाइस में कटे हुए, मैंने बारीक प्याज लेना है स्लाइस में कटा हुआ, और इसको एक प्रेशर कुकर में डाल दिए। इसके साथ ही इसमें चला जाएगा हाफ कप घी का। हलीम बनाएंगे हम घी के अंदर। इजी कुक हलीम लिया है और मैंने चिकन का गोश्त ले लेना है, 1 किलो के करीब चिकन का गोश्त लेना है और हड्डी वाला चिकन लेना है। ठीक हो गया, प्याज में हमने गोल्डन कर लेना है नाइस का, जैसे हलीम के अंदर होता है क्रिस्पी क्रिस्पी का। प्याज हाफ निकाल लेंगे, हाफ इसी में रहने देंगे, हम इसी में रहने देंगे, हाफ निकाल लेंगे। हमने घी के अंदर प्याज के हाफ प्याज में डाल दिए हैं। इसमें जो मसाला होता है इजी कुक वाला, हमने कोई सा भी ले लें, आप शान का ले लें, हाँ उसका ले लें, नेशन का ले लें, जौन सा भी आपको मर्जी हो, आप मेहरान का ले लें, आपकी अपनी मर्जी है, हलीम मिक्स ले लें, वो वाले मसाला मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। मैं जो ये मसाला यूज़ कर रही हूँ वो मैं इजी कुक हलीम मिक्स बना रही हूँ आज, और कोई सी भी आप कंपनी का लेके डाल सकते हैं। ठीक हो गया, आज मेरा दिल था कि आज मैं आपको इस रेसिपी से आपको आपके साथ शेयर करूँ, जो बहुत ही मज़ेदार हलीम बन के रेडी हो जाता है और जल्दी से बन जाता है। ये डाल दिया हमने, इसको मिक्स करते हैं। इसके मसाले के अलावा हम इसमें क्वार्टर टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और 2 चुटकियों के करीब इसमें हल्दी डाल देंगे, और नमक नहीं डालेंगे, बस ये 2 चीज़ें डाल देंगे। हम ज़्यादा शामिल करेंगे ताकि चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल जाए और जो हड्डियाँ हैं उसका भी अरग जो है निकल जाए, इसके अंदर यखनी बन जाए। यखनी भी हमें चाहिए और चिकन भी हमें गला हुआ चाहिए। ठीक है, इसको हम लगा के हम तकरीबन 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए हम चिकन को अच्छे से गलाएंगे, और इसकी यखनी भी बाकी रहेगी और चिकन भी हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चिकन हमारा हो चुका है और गल चुका है, इतनी हमें यखनी चाहिए। और इसके अंदर अब हमने डालना है जो हमारा मसाला था निहारे उसका, सॉरी हलीम का, वो डालेंगे। ठीक हो गया, सारा चिकन मैं निकाल दूंगी, इसमें से हड्डियाँ अलग कर लूँगी और गोटियाँ अलग कर लूँगी। दड़दड़ा सा हमने अनाज लिया है, जो पैकेट वाला है वो दड़दड़ा सा अनाज है। ठीक है, यखनी हमारे पास मौजूद है, इसको मिक्स करने के लिए हमने तकरीबन 1/2 गिलास पानी का लेना है। इसको हमने हलीम में इसके जो मसाला था वो हमने मिक्स कर लिया इस तरीके से, और अब इसको यखनी में डालेंगे। थोड़ा सा हम पानी और शामिल कर लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये देखिए इसमें लम्स नहीं कोई भी रहना चाहिए। इसको हमने नीचे उतार लिया है, फ्लेम हमने स्लो कर दी है, और इसको हमने डाल के फटाफट से मिक्स कर दिया ताकि ये पकने देंगे हम हलीम को, और चिकन को है हम बारीक बारीक सा रेशा कर लेंगे, चिकन के मोटे मोटे से हमें रेशे बना लेंगे इसके, जब तक ये हलीम हलीम पकनी शुरू हो रही है, इसमें नीचे किया हुआ चिकन हम सारा डाल देंगे। चिकन हमारे पास हलीम हमने इसमें मिक्स कर दी है, और साथ हमने चिकन भी इसमें डाल दिया है, और इसको पकने देंगे ताकि इसके रेशे अच्छे से बन जाए। मज़ेदार किस्म का हमारा हलीम रेडी हो गया, टेस्टी टेस्टी का साथ नान गरम गरम। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।